हेलो ऑल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आइए आज हम आपको लेके चलते हैं विकास मॉल सेक्टर 14 का, जो कि द्वारका का सबसे सुंदर मॉल है। तो आज हम वहां पे जा रहे हैं, मॉल घूमेंगे और साथ ही हम मूवी देखने जा रहे हैं 3D की एवेटार। तो आइए आपको मैं वहां पे मॉल भी दिखाती हूँ और साथ में आपको लास्ट में रिव्यूज भी दूंगी मूवी के। हाँ जी, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं विकास मॉल द्वारका सेक्टर 14 के बाहर, और ये ऐसे दिखता है बाहर से। तो अब हम जा रहे हैं पार्किंग की साइड। तो गाइस, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी वीडियोस लाती रहती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको अंदर दिखाऊंगी कि मॉल के अंदर कौन कौन से आउटलेट्स हैं जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं, और सबसे ऊपर फूड कोर्ट भी है ताकि शॉपिंग करके अगर आपको भूख लगने लगे तो आप वहां पे अपना खाना पीना भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। गाइस, आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने जो सिलेक्ट किया था PVR विकास में, तो हमने प्ले हाउस सेलेक्ट किया था जहाँ पे बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। तो मैं आपको प्ले हाउस अंदर से दिखाऊंगी कि कैसा दिखता है, सो दैट अगर आप वहाँ पे बुकिंग करें तो आपको पता हो कि कितना सुंदर है और बच्चे कितना ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो गाइस, हम जा रहे हैं अभी अंदर। ये देखिए, लोग सेल्फीज लेते रहते हैं, फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवाते रहते हैं, तो मैं भी लाइन पे लगी हूँ ताकि ये लोग अपनी फ़ोटोग्राफी अगर कंप्लीट कर ले तो भैया मैं भी कुछ फ़ोटोज़ ले लूँ, है ना जी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं मॉल के अंदर, और यहाँ पे थोड़ी सी आज के दिन डेकोरेशन है क्योंकि 26 जनवरी है आज। तो ये देखिए, लोग फ़ोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं और मैं पूरी मॉल की वीडियो बना रही हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे कौन कौन सी शॉप्स हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। और गाइस, ये मॉल इतना सुंदर है कि मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, जब भी कोई ओकेजन होता है ना, ये मॉल इतना अच्छा डेकोरेटेड होता है कि आप चाहे शॉपिंग करें या ना करें, विंडो शॉपिंग या आप ऐसे ही यहाँ पे भी घूम भी सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको जूम कर करके यहाँ पे आउटलेट्स दिखा रही हूँ, हाई डिज़ाइन, लेवाइस और कौन कौन से आउटलेट्स हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग सकता है कि अगर आपने शॉपिंग करनी है आज, आगे, कभी फ्यूचर में, तो यहाँ पे आपको कौन कौन से शॉप्स मिल सकती हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो आप प्लीज़ ये पूरी वीडियो देखिए और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना आप कुछ ना कुछ तो पक्का मिस कर ही सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। यहाँ पे लाइफस्टाइल है, पैंटालून है, और यहाँ पे मतलब पैंटालून लाइफस्टाइल में आपको जैसे किड सेक्शन, वुमेन, मैन सेक्शन से बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। और ऊपर भी मैंने आपको आउटलेट्स जैसे मैं जूम कर करके आपको दिखा रही हूँ, ये सारे आउटलेट्स भी अवेलेबल हैं। तो जैसे आप चाहें वैसे आप यहाँ से क्लोथ्स ले सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके लिए। और ये हम फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर चढ़ रहे हैं एलिवेटर से। तो यहाँ पे लोग भी देख रहे थे कि अच्छा जी, ये कौन वीडियो बना रहे हैं। तो इट्स ओके, बट आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी सो दैट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। तो ये सामने हैमलेस भी है जहाँ से बच्चों के टॉयस वगैरह बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो ये हम पहुँच गए हैं ऊपर, और अब हम जा रहे हैं PVR की साइड पर। तो आइए चलते हैं, और ये है हमारी मूवी एवेटार। तो ये है फूड कोर्ट गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है खाने पीने के।
तो ये भी हैं और आप मेरे बाकी ब्लॉग्स में भी देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे भी डिस्क्राइब किया है कि कौन कौन से आउटलेट्स हैं यहाँ पे फूड कोर्ट के, जहाँ पे आप जा सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं, डाइन इन भी है अंदर और आप लेके भी जा सकते हैं, तो पिकअप वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, तो बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शंस हैं यहाँ। गाइस हम पहुंच गए हैं PVR और यहाँ पे टिकट काउंटर है, ये है बैगेज का काउंटर। तो इन केस अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सामान है, बैगेज है जो कि आप बाहर रखवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो अब हम चलते हैं अंदर, नायसा भी आ गई है। तो आइए आज मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाऊंगी कि हमारा ऑडी था, आई गेस 2 था, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी प्ले हाउस कैसा अंदर से दिखता है और बहुत ही सुंदर है। मतलब अगर छोटे बच्चे हैं आपके साथ तो देन दे विल डेफिनेटली इन्जॉय दिस। तो आइए अब हम अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ अंदर सिनेमा थिएटर कैसा दिखता है। वैसे साथ साथ मैं आपको ये काउंटर भी दिखा रही हूँ खाने पीने का, चाट वगैरह जिसमें है, पॉपकॉर्न है, ताकि घर बैठे बैठे ही थोड़ा बहुत तो आपके मुंह में पानी आ ही जाए। तो यहाँ पे पॉपकॉर्न, नैचोस और कॉम्बोज भी अवेलेबल हैं। तो हम तो क्या करते हैं, जैसे मूवी स्टार्ट होती है तो हम स्टार्टिंग में ही ले लेते हैं पॉपकॉर्न या नैचोस वगैरह, ताकि इंटरवल तक थोड़ा सा हमारा भी टमी फिल हो जाए और हम साथ साथ मूवी इंजॉय करते हैं और साथ साथ हम पॉपकॉर्न खाते हैं। यस, और इस बार हमने लिया था रिक्लाइनर। तो ये जैसे आप सामने देख पा रहे हैं प्ले हाउस, ये 4DX है, तो हमारी मूवी हमें यहाँ पे नहीं मिली थी टिकट्स, तो हमने यहाँ पे नहीं, हमने प्ले हाउस में लिया था ताकि नायसा बहुत इन्जॉय कर पाए। तो अभी चलते हैं, और ये मैं आपको बता दूँ, ये हम गलत ऑडी में चले गए थे 4DX में, तो बाद में हमने रियलाइज़ किया कि नहीं, हमारा ये वाला तो नहीं है। फिर हम वापस आए, हम बाहर आए, फिर हमने अपनी टिकट चेक ये की प्ले हाउस प्ले वाला हाउस लिया वाला, था, फिर हमने देखा नहीं वो तो ऑडी 2 है। तो अब हम इसके बाद पर ये हम मिल थोड़ा नहीं रहा था जल्दी आ हमें। गए थे, तो हमने बाहर वेट किया क्योंकि ये जो टाइमिंग्स होते हैं उसी पे एंट्री मिलती है। तो प्ले हाउस का उन्होंने बाहर से एंट्री उस समय बंद की हुई थी क्योंकि अभी थोड़ा सा मूवी स्टार्ट होने में टाइम था, तो इसलिए हम थोड़ी देर फिर बाहर ही बैठ गए। तो इनका सिटिंग भी बाहर बहुत ही अच्छा है, देन यू कैन वेट हेयर अगर आप थोड़ा सा जल्दी पहुँच गए हैं। तो अब मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी प्ले हाउस का कि अंदर से कैसा दिखता है। वेलकम टू जी मूवी थिएटर, ये बहुत ही सुंदर मूवी थिएटर है। तो हम आए हैं प्ले हाउस में, तो अभी तो फिलहाल बंद है क्योंकि अभी मूवी का टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी देखते हैं। 1:10 का शो है, अब जब तक स्टार्ट होगा फिर नायसा के लिए अंदर सरप्राइज होगा, देखते हैं। हमारे लिए थोड़ा सरप्राइज है, चेस विंग्स है वहाँ पर, तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। नायसा प्ले हाउस में, अभी पता चलेगा क्या है उसमें, ठीक है, जब ओपन होगा। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? तो अब हम जा रहे हैं प्ले हाउस अंदर। तो ये अब हम आए हैं प्ले हाउस, वो यहाँ पे बुक कराया है नायसा के लिए ताकि वो अंदर एंजॉय कर पाए। तो आइए देखते हैं अंदर कैसे हैं और बच्चों के लिए वहाँ पे क्या क्या है। पूरा प्ले हाउस तो फाइनली हम अंदर तक आ चुके हैं और ये थीम भी एकदम बच्चों के लिए ही बनाया हुआ है, इतना कलरफुल है। तो बस हम बैठे थे, थोड़ी सी हमने फ़ोटोग्राफी की, और अब क्या है ना, जब आप बच्चों के साथ आते हो और ऐसा इन्वायरमेंट होता है तो कहीं ना कहीं आप भी, मुझे लगता है, थोड़े बहुत बच्चे बन ही जाते हो। तो
हमने वहाँ पे बहुत मस्ती की, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम बचा था, बट एटलीस्ट हमें अंदर एंट्री मिल गई थी। तो बस हम अंदर का देख रहे थे कि प्ले हाउस कैसा दिखता है, क्योंकि अंदर अभी मूवी थिएटर में तो एंट्री नहीं थी, बट उस एरिया में हमें एंट्री मिल चुकी थी। तो हम बस थोड़ा बहुत घूम रहे थे और देख रहे थे कि कैसा दिखता है। फाइनली फाइनली डोर्स ओपन हो गए और अब हम एंटर कर रहे हैं अंदर। और ये देखिए साइड का व्यू, वाओ सो ब्यूटीफुल। मीन्स मैंने जितने भी थिएटर्स में गई हूँ ना, मैंने ऐसा कहीं भी नहीं देखा, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये। और एकदम थीम बच्चों वाली ही है। मीन्स जो सीट्स भी हैं नीचे, जो सीट्स हैं, हमने तो खैर सबसे ऊपर की ली थी रिक्लाइनर वाली, जो सीट्स भी थी वो भी बच्चों के हिसाब से ही बनाई हुई थी आगे, और बहुत ही अच्छा था, वेरी कंफर्टेबल। ले लो इसको। ये देखिए, ये एक स्लाइड है बच्चों की, जो कि एकदम साइड पे उन्होंने बनाया हुआ है प्ले हाउस में। तो यहाँ से बच्चे स्लाइड करते हैं और नीचे बॉल्स रखी हैं ताकि बच्चे भी बीच बीच में एंजॉय कर पाए, ताकि जब ब्रेक हो स्टार्टिंग में एंड में बच्चे मूवी के साथ साथ अपना एंजॉयमेंट भी कर पाए। आया मजा स्लाइड करके? मूवी थिएटर में स्लाइड है, दोबारा करना एक बार, जल्दी जा। That's why a good marriage is like teamwork. There's no you and us, just us. Guys, I just love the new look. This fabric is beautiful. You always get it right, Gauri. I must say this again. Your wife is great. Madaya, enjoy kia? Mr. Madaya, can you? I help you choose good. The fabric. अरे वाह, और ये रिक्लाइनर में नायका बैठी है कंफर्टेबली, और अब हम 3D गॉगल्स पहन के मूवी देखेंगे अपनी। ना मामा ना, और अगर रिटायरमेंट ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो फिर हो जाओ रिटायर। और वैसे भी शाम की चाय साथ पीना काफी रोमांटिक है, नहीं? चले। ये आपने क्या पहनी हुई है? मैंने पहनी है 3D गॉगल। और कौन सी मूवी देखने आए हो? एवेटार। अच्छा, पता चल गया, मजा आया थिएटर में आके? हाँ, बहुत ज्यादा। चलो गुड, अब मूवी एंजॉय करते हैं, स्टार्ट होने वाली है, ठीक है? In her heart is what you got. You can't just love something, you also have to take care of it. It's more important than your heart. तो गाइस, अब हमारी मूवी 3D मूवी स्टार्ट होने वाली है, तो हम मिलते हैं आपको मूवी के बाद।
आ जाएंगे ना जो ऊपर। गॉगल्स डाल दो, गॉगल्स डालो, ऐसे दिखेगा नहीं सही से। और ये अब मूवी का ब्रेक हो गया था, तो फिर से वहाँ जितने बच्चे थे वो स्लाइड्स लेने लग गए थे, तो उनका बीच बीच में अपना ही एक अलग ही इन्जॉयमेंट चल रहा था। तो डेफिनेटली वो बनता भी है क्योंकि हम आए उनके लिए, तो दे शुड डेफिनेटली एंजॉय दिस थिंग। तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि मैं भी इसके अंदर स्लाइड ली हूँ, तो डेफिनेटली अगर मैं लूँगी तो शायद वो बचेगा नहीं। सो जोक्स अपार्ट, बट इसमें बहुत ही मज़ा आ रहा था बच्चों को देख के, दैट दे वर एंजॉयिंग। गाइज, ये स्पेशली किड्स के लिए ही बनाया गया है ये वाला थिएटर। तो जस्ट आई वांट टू इन्फॉर्म यू कि अगर आपके साथ किड्स नहीं है और अगर आप ज़्यादा शोरगुल्ला में नहीं रहना चाहते, तो आई थिंक दैट यू कैन गो फॉर अनदर ऑडी, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक के टाइम पे और इनफैक्ट हमारे टाइम पे कुछ बच्चे थे जो कि मूवी के टाइम पे भी स्लाइड्स ले रहे थे, बट उन्हें समझा दिया था कि अभी आप बैठ जाओ, ब्रेक पे आप स्लाइड्स ले लेना। तो ये है कि यहाँ पे बच्चे फ्लाइट्स लेते रहते हैं, तो जिनके साथ बच्चे हैं वो डेफिनेटली इंजॉय करते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी शोर नहीं चाहते, तो फिर ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है यहाँ पे आना। तो ये एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती थी यहाँ के लिए। पापा के बीपी का इशू है, सभी मेडिसिन हैज टू बी ऑन टाइम। हेल्थ के मामले में इशू आ रहा है जरूरी, इसीलिए मैं अपनी पूरी प्रिस्क्रिप्शन के लिए सिर्फ 2 घंटे में डायरेक्ट अपोलो से डाउनलोड अपोलो 24/7 नाउ। Which of these superstars has a fan club of over 3,000 members in Tokyo, Japan? #Quizmaster India का फर्स्ट डिजिटल क्विज शो, जनरल नॉलेज काम आएगा तो आएगा। थक गई बिचारी चलते चलते ऊपर। तो अपना ऐसा वहाँ से ऊपर नीचे करके थोड़ी थक गई और यहाँ पर वापस आ गई है। तो यहाँ हम अभी खा रहे थे ब्रेक में पॉपकॉर्न, पेप्सी, नैकोस। तो नायसा मैडम ने यहाँ पे गॉगल्स रखी हैं और वो पेप्सी को गॉगल्स पहना के स्टाइलिश बनाना चाहती है। तो फाइनली हम इसको गॉगल्स पहना पाए हैं एंड वी आर सक्सेसफुल इन इट। यस, अच्छा लग रहा है ना देखने में। So the movie was good and we really enjoyed it. और साथ में थिएटर में तो बहुत ही मज़ा आया। तो फाइनली मूवी हो गई है ख़त्म और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने। देखिए सामने है हैमलेट और नीचे का मैं आपको भी दिखा रही हूँ कितना रश है। अब इवनिंग टाइम हो गया है तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और फूड कोर्ट में तो बहुत ही ज़्यादा। तो अब हम बढ़ रहे हैं फूड कोर्ट की तरफ, देखते हैं हमें सीट मिलती है या नहीं। और ये करीम से हमने लिया है कमीनी रोटी और मटन। तो इनफैक्ट मैंने इतना नहीं खाया क्योंकि मेरा मन नहीं था। और नायसा ने सामने डोमिनोज से लिया है गार्लिक ब्रेड, तो बस डोमिनोज ने सॉरी पिज़्ज़ा हट से लिया है गार्लिक ब्रेड। तो बस हम वेट कर रहे हैं कि वो भी जल्दी प्रिपेयर हो जाए और नायसा भी खाना स्टार्ट कर ले। और ये है हमारी मसाला मिरिंडा पिज़्ज़ा हट से। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो गाइस ये प्लीज़ आप बताइएगा वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कैसा लगा और प्ले हाउस कैसा लगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ नया लेके आऊँगी।
नाइसा फाइनली हम आ गए। तो अब बताओ कैसा लगा आपको मूवी का? मैं क्या ही बोलूं, बहुत ही अच्छा था। प्ले जोन कैसा था, मजा आया स्विंग्स में? सच में, मतलब मूवी थिएटर में भी प्ले जोन है, स्विंग स्लाइड अच्छी थी, बहुत अच्छी, मतलब अमेजिंग। यू एंजॉयड इट? यस। और अंदर का अंधेरा था, मैं डर गई। डर गए, क्या बात। और नैसा मूवी कैसी लगी? मतलब 3D इफेक्ट्स बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत पसंद आया। चलो अच्छा, चलो अब हम घर जा रहे हैं, ठीक है? से बाय टू एवरीवन। बाय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। बाय। तो गाइस अब हम निकल आए हैं वेगास मॉल से और मूवी भी हमारी खत्म हो गई है। तो मूवी भी अच्छी थी और सबसे बेस्ट पार्ट था कि हम जो प्ले जोन में वहाँ गए थे तो बच्चों ने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया। इनफैक्ट वहाँ पे मतलब बहुत सारे बच्चे थे जो कि स्लाइड्स ले रहे थे। बट आई वुड से कि एवेटार जो 1 थी वो इससे ज़्यादा बेटर थी। तो एवेटार 2 मेरे को ठीक ठाक लगी, बट एवेटार 1 वॉज मच बेटर देन दिस वन। सो गाइस मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।